बहन जी नमस्कार। सित साहब। बहन जी क्या नाम है आपका? मनीषा दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 16 जुलाई 2011 में नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वैसे तो मैं पहले भी अपना एक इंटरव्यू दे चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ लाभ मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अब और भी कुछ जो मेरे साथ और भी ज़्यादा लाभ हुए उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई कबीर परमात्मा की भक्ति करने से पहले मैं दुर्गा जी को अपना इष्ट मानती थी और मैं बचपन से ही उनकी भक्ति करती थी। और जब मैं बहुत छोटी थी तो नवरात्रों के व्रत रखती थी और छोटे से लेके बड़े होने तक मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। जो भी दुर्गा जी के बारे में जहाँ भी सुनती थी जिस तरीके से उस तरीके से भक्ति करने लग जाती थी। और जब मैं 11th class में थी तो उस वक्त मेरी मम्मी, जिनके द्वारा मुझे दुर्गा जी की भक्ति का ज्ञान हुआ था, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी दुर्गा जी की और उन्हीं से मुझे पता चला था। उन्हीं के साथ साथ मैं भी उनकी भक्ति में लग गई थी। तो मेरी मम्मी जब मैं 11th class में थी अचानक से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, वो बीमार पड़ने लगीं, उनके सर में दर्द रहने लगा, उन्होंने खांसी उठती थी बहुत ज़्यादा होती थी जिस कारण से वो बहुत बीमार हो गई। लगभग 2 साल तक मेरी मम्मी इतना बीमार हुई कि वो पागल जैसी हो गई। आप ये कह सकते हो कि वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी और वो ये कहती थी मैं ही देवी हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगी। और मैं समझ नहीं पाती थी, मैं बहुत रोती थी कि मम्मी ने तो इतनी भक्ति की, अपनी सारी ज़िंदगी भक्ति में निकाली है और मैं भी करती हूँ। मैं हमेशा देवी से ये प्रार्थना करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब हमारे घर में हम सब भक्ति करते हैं, हम कोई हमारे घर में कोई नशे नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, मेरे पापा भाई सब ही भक्ति में लगे हुए थे, मेरे घर में कोई भी मांस मदिरा कुछ नहीं होता था, ऐसे कोई काम नहीं होते थे। उसके बावजूद भी मेरे घर में इतनी बड़ी समस्या, मम्मी की बीमारी के पीछे पापा ने बहुत पैसा भी लगाया, डॉक्टरी इलाज भी कराया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। और मम्मी का फाइनली जो दिमागी संतुलन था वो बिगड़ ही गया, वो ठीक नहीं हो पाई, वो चीज़ें उनके अंदर नहीं आ पाई। और फिर उसके बाद पापा ने इधर उधर संतों के पास, कहीं कोई बता देता था तांत्रिक के पास ले जाना भी शुरू किया, और मम्मी को जो जैसे बताता था वो काम करती थी। कभी गंगा जी पे ले जाते थे, कभी कहीं ले जाते थे, कभी किसी तांत्रिक के पास जाके उनको झाड़ फूँक करवाते थे, लेकिन किसी से कोई असर नहीं पड़ता था। और फिर वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत ठीक अपने आप ही हो गई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी ने मेरी दीदी के ससुराल वालों के ज़रिए से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था और उन्होंने मेरे भगत जी को, मेरे हस्बैंड को बताया था कि आप भी नाम उपदेश लो, ये सच्चा दरबार है, यहाँ पर आकर सब ठीक हो जाते हैं। मेरी मम्मी भी ठीक हो गई थी, जो पहले पूरी तरह से ठीक नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी मम्मी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वो बहुत अच्छे से बात करने लग गई थी, वो पहले अच्छे से बात नहीं करती थी हम लोगों से। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं घर गई हुई थी अपने मायके, तो मैंने मम्मी के साथ गई संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। मुझे ज्ञान के बारे में कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे अपनी वही पुरानी भक्ति पे विश्वास था और मैं शादी के बाद बहुत बीमार भी रहने लगी थी। हर महीने में मुझे ग्लूकोज चढ़ता ही चढ़ता था, इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि महीने के एंड आते आते मुझे हमेशा बेड रेस्ट पर मैं आ जाती थी और मुझे 3-4 दिन तक ग्लूकोज लगातार चढ़ता था। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हो गए थे और आस पड़ोस के लोग भी मुझे देखने आते थे और कहते थे ये तो आप रोगिन को उठा के ले आए हो। तो मुझे बहुत दुख होता था और सब ये भी कहते थे कि ये इतनी भक्ति करती है, हमेशा भक्ति करती रहती है, फिर भी बीमार रहती है। तो मैं खुद भी अपने आप से भी परेशान थी और मेरे ससुराल में आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी। और जैसा कि मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे भगत जी जो हैं, वो भी जहाँ भी जॉब करने जाते थे उनकी जॉब लगती थी और वो 1-2 दिन में ही जॉब छोड़ देते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी, इस चलते मैं अपने घर चली गई थी और मम्मी के साथ फिर आश्रम में गई थी, मम्मी के कहने पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। वहाँ जाकर मुझे अच्छा लगा, शांति मिली, मैं सब कुछ भूल गई। मैं 2-3 दिन आश्रम में रही, मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ 2-3 दिन में कि जितनी मेरी परेशानियाँ हैं वो सब मेरे दिमाग से निकल गई। मैं पहले बहुत बीमार थी, जिस दिन मैं गई फर्स्ट डे तो मैं उठी नहीं थी, सत्संग भी हुआ था लेकिन मैंने सत्संग सुना नहीं, मैं सोती रही। दूसरे दिन मम्मी ने गुरुजी से आदेश लेके मुझे
वहाँ से प्रसाद दिया, और हालांकि प्रसाद अनुपदेशी को नहीं दिया जाता था, लेकिन मुझे वहाँ पर प्रसाद मम्मी ने खिलाया गुरुजी से आदेश लेके। तो मैं उस प्रसाद से इतना ठीक हो गई कि मैं अपने आप उठकर भंडारे में गई और मैंने सेवा भी करवाई और भंडारा भी लिया और फिर मैं ठीक हो गई। मैंने घर आके अपने भगत जी से कहा कि उस आश्रम में बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगा। मुझे ज्ञान तो नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता वो गुरुजी क्या बता रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाके मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, मेरी बीमारी भी दूर हो गई थी। और फिर मैं घर आके फिर दोबारा से बीमार रहने लगी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने फिर मेरे हस्बैंड को, मेरे भगत जी को बोला कि आप नाम उपदेश ले लो, वहाँ पे जाके सब ठीक हो जाएगा, आपकी घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। फिर मेरे भगत जी और मैं, मेरे भगत जी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ मम्मी के कहने पर उनका मान रखने के लिए वो चले गए थे। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें बहुत कुछ देखने को मिला, अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर नाम लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा था घर जाकर सब लोग डांटेंगे कि आप क्या लेके आ गए हो, देवी देवताओं को छोड़ दिया है। तो भी मैंने कहा नहीं, हम करेंगे। मैंने भगत जी से कहा कि अब जो होगा आपको संभालना है घर पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। फिर उसके बाद हमने नाम लिया और हम घर गए। घर पे काफ़ी झगड़ा हुआ, बोला भी कि क्या लेके आ गए हो, पैर नहीं छूते हो, कैसे गुरुजी बनाए। हर कोई हर बात पर यही बोलता था कि कैसे गुरुजी बनाए हैं, क्या तुम्हारे गुरुजी ये बोलते हैं पैर नहीं छूने चाहिए, बड़ों को सम्मान नहीं। हम समझाते थे तो कोई हमारी बात सुनता नहीं था, कोई ये नहीं देखता था हमने बुराइयाँ छोड़ दी हैं। जैसे मेरे हस्बैंड पहले ड्रिंक कर लेते थे, ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, और भी नशीली चीज़ें लेते थे, और किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, हर किसी के साथ अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वो पहले हमेशा गुस्से में ही रहते थे, किसी से सही से बात भी नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे बदलाव को कोई ध्यान ही नहीं देता था, जो कि बहुत ज़रूरी थे देने, और सब हमें गलत बोलते थे। तो मैं फिर आश्रम जाती थी तो गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरे परिवार पर भी मेहर करो, क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे। तो परमात्मा कहते थे बेटा भक्ति करो, परमात्मा सुनेगा। तो फिर ऐसा ही हुआ, एक साल बाद मेरे एक ननद है जिनकी शादी हो गई थी, उन्होंने घर आकर, उनकी बेटी थी छोटी, उनके ससुराल में थोड़ी प्रॉब्लम थी उन्हें, तो उन्होंने कहा कि मैं, मुझे अच्छा लगता है आपका ये ज्ञान, मैं नाम लूँगी। उन्होंने नाम लिया, फिर धीरे धीरे मेरे घर के सभी सदस्यों ने, मेरी छोटी ननद ने, मेरे ससुर जी ने, और फिर मेरी सासू माँ ने, मतलब सभी लोगों ने नाम ले लिया। और फिर हमारा परिवार, जो कि बिल्कुल एक ऐसा लगता था उस घर में मुझे कि जैसे मैं जैसे रावण की लंका थी, कि रावण की लंका में एक अकेली अकेला विभीषण था जो पता नहीं कैसे जीता था। मैं ये सोचती थी, जबकि मैं पहले शादी से पहले ग्रंथों को भी पढ़ती थी और मुझे उतने अच्छे से कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं अपने आप को उस परिवार में ऐसा ही फील करती थी कि यहाँ सब नॉनवेज खाने वाले, कोई सुनता नहीं है, कोई सब उल्टे सीधे काम करते, और मैं ये सोचती थी ये लोग ऐसा करते इसीलिए मैं बीमार रहती हूँ। तो इसीलिए फिर उसके बाद हम सब बहुत, हमारा परिवार बहुत सुखमय परिवार बन गया और पूरी फैमिली बहुत अच्छे और प्यार से रहने लगी। और आज हम लोग बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि एक देव घर में मैं रहती हूँ, और सभी लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज की दी हुई, और हम सभी सुखी रहते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप हैं, वो अभी जेल में हैं, क्या कहना चाहेंगी? जितने भी आरोप परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे हुए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। इतने सारे आरोप लगाए थे बरवाला कांड के समय और उससे पहले भी, वो सब सिर्फ जो अन्य धर्मगुरु हैं उन्होंने अपने, उनकी गुरु जी ने उन सब के ही ग्रंथ, उनके जो लिखी हुई पुस्तकें हैं और हमारे जो धर्म के, सभी धर्मों के जो सदग्रंथ हैं उनसे उन्होंने, हमारे गुरु जी ने उनकी पोल खोल दी है, सच्चाई बता दी है कि हाँ ये जो बता रहे हैं वो गलत है, ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है और इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। इस चलते वो लोग इस चीज़ से डर गए कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और इसीलिए वो लोग गुरुजी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और गुरुजी ने जजों के खिलाफ और जो भी गलत करप्ट काम होते हैं उन सब के खिलाफ गुरुजी ने आवाज उठाई, इसी चलते वो लोग ऐसा कर रहे हैं। बाकी अभी तक एक डेढ़ साल होने वाला है, अभी तक एक भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि एक भी, हाँ कि ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो सब कोई भी उनका सही साबित नहीं हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर वो लोग ठीक होते तो कोई एक तो होता, और हम लोग बहुत समय से सीबीआई जांच के लिए हमेशा बार बार खड़े हो रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करो। क्यों नहीं करता कोई सीबीआई जांच? अगर वो लोग ठीक हैं, हम गलत हैं, तो हमारे ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? तो हम सही हैं। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगी, क्योंकि इस संसार में हर जीव को भगवान की ज़रूरत है। हर कोई जब
लास्ट होता है ना, कोई कितने भी, हर कोई कहता है, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, और मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो सब कहते हैं ये लाइफ मजे करने के लिए है और अपनी फैमिली चलाओ, इसी से फुर्सत नहीं मिलती है, फैमिली को देखें, ये देखें, वो देखें, कि भक्ति करें, अब इसमें अभी लगने का मौका नहीं है, अभी तो बुढ़ापे में करेंगे। तो अगर परमात्मा बताते हैं, अगर अगला सांस ही नहीं ले पाए यहाँ, तो किसी की ज़िंदगी का पता नहीं है, और आप लोग बाद का सोचते हैं कि बाद में भक्ति करेंगे, बाद की तो किसी की पता नहीं। तो मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही भक्ति है, और वो सत भक्ति है जो कि हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। सभी उस भक्ति को करें और आए, नामदान लें और अपना कल्याण करें। आपने अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बोला, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? गुरुजी के आदेश अनुसार हर एक स्टेट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, और साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 तक जो सत्संग आता है, उस सत्संग के नीचे एक येलो कलर की लाइन आती है, उसमें कुछ फ़ोन नंबर्स आते हैं, उन फ़ोन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर वहां से आप पता लगा सकते हैं कि कहां से नामदान मिल रहा है, और वहां से उसके ज़रिए से आप नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।